हेलो गाइस, वेलकम टू जीए फैमिली। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेन्नई वर्सेस लखनऊ के बीच में जो मैच होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चेन्नई में मैच होगा तो पिच के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देंगे, प्लस मैच के हिसाब से आप लोगों को कैसे टीम बनाना चाहिए, किस प्लेयर को छोड़ना चाहिए, किसको लेना चाहिए और क्या पान पिक रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। ठीक है, तो गाइस चलो डिस्कस शुरू करते हैं। तो देखिए विकेट कीपर सेक्शन में जो चार प्लेयर खेलेगा, ठीक है, राहुल, कोनाई, पुरान और धोनी। तो इनमें से चार में से सबसे अच्छा जो रिकॉर्ड है, सबसे अच्छा रिकॉर्ड है राहुल का, ग्राउंड पे रिकॉर्ड है, हेड टू हेड भी रिकॉर्ड है सबसे। तो बेस्ट पिक मतलब आज के जो मैच है उसमें आपको मस्ट पिक स्कोर करना है। और ग्रैंड लीग में दोनों में मतलब मुझे लगता है आज के मैच में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, बट स्मॉल लीग में तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, सही रहेगा मुझे लगता है। बट आप अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि फास्ट में जो स्ट्राइक बॉल करेगा दीपक चाहर चेन्नई की तरफ से, तो मे भी कुछ दिक्कत आ सकता है इसको। तो इसीलिए अभी फॉर्म भी थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं है, इसीलिए आप ग्रैंड लीग में तो आप एक दो टीमें जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी स्मॉल लीग में इसका जो जिस हिसाब से रिकॉर्ड है अगर उस हिसाब से आप चलने जाएंगे तो आपको मस्ट इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना होगा स्मॉल लीग में। ठीक है, बाकी डेवन कोनाई है इसमें इसका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है ना उतना खास नहीं है इसीलिए, बट जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बैट्समैन होता है ना वो कभी भी किसी भी मैच में रन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्मॉल लीग में तो शायद लेके चल सकते हो, बट ग्रैंड लीग में आप इसको जरूर ड्रॉप करना, बट सेकेंड बैट पे मत ड्रॉप करना, फास्ट बैट पे ही अगर हो सके तो आप फास्ट बैट पे ही इसको ड्रॉप करना। अगर आप चाहते हो ड्रॉप करने के लिए तो आप फास्ट बैट पे ड्रॉप करना, बट सेकेंड बैट पे मत ड्रॉप करना। ठीक है, और जो पिच के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूँ, पिच जो है ना वो न्यूट्रल पिच है, एवरेज पिच है, मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगा। स्पिनर ज़्यादा गेम में आ सकते हैं, जो कटर बॉलर है ना वो ज़्यादा गेम में आ सकता है। तो आज के जो कटर बॉलर होगा ना वो उसको ज़्यादा विकेट मिलने का चांस है, प्लस स्पिनर को विकेट मिलने का चांस है। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा प्लेयर अगर लाइनअप में आता है तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आप लोगों को जब बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर सेक्शन में जब ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन में जाऊँगा तो आप लोगों को बता दूंगा किस बॉलर को लेना चाहिए, ठीक है, और कब लेना है। तो और विकेट कीपर में निकोलस पुरान है, तो निकोलस पुरान को आपको एज ए सेकेंड बैट में ही ज़्यादा अच्छा खेलता है, बट फास्ट अभी तो इसका फॉर्म थोड़ा सा अच्छा है तो आप सेकेंड बैट या फास्ट बैट, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप पुरान का जो हेड टू हेड मतलब ये रिकॉर्ड है ना, जो मैचअप है ना, आप मैचअप के हिसाब से अगर चलने जाओगे तो फिर सैंटनर ने इसको दो बार आउट करके रखा है, तो अगर सैंटनर खेलता है तो मे भी पुरान को इस बार भी ले सकता है। उसके बाद मोइन अली भी आउट करता है तो मोइन अली भी इसको, और आज के मैच में मोइन अली भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेगा क्योंकि पीस जो है ना थोड़ा सा स्पिन को सपोर्ट करते हैं और लखनऊ के तीन लेफ्टी बैट्समैन है जैसे निकोलस पुरान है, उसके बाद आपका कुणाल पांड्या है जो मिडिल ऑर्डर और मायर्स भी है, तो तीन चार लेफ्टी बैट्समैन है। तो मुझे लगता है मोइन अली जो है ना मस्ट पिक रहेगा। तो आप लोगों जब जाऊंगा ऑलराउंडर सेक्शन में तो आपको बता दूंगा किसको किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, बाकी एमएस धोनी को अगर आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर रहे हो, जैसे कोलैप्स होगा, अगर सोचो कि आप ऐसा टीम बना रहे हो जिसमें सीएसके का जो चेन्नई का टीम है, टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरा का पूरा कोलैप्स होगा, तभी आप धोनी को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप फिंच हीटर के हिसाब से भी ले सकते हो जिसमें आप बहुत मुझे नहीं लगता उसमें भी काम आएगा, बट अगर कोलैप्स होता है तभी धोनी का काम आ सकता है, उसके अलावा मुझे उतना मतलब इम्पैक्ट प्लेयर नहीं लगता है क्योंकि इसका जो रोल है अभी बहुत नीचे बैटिंग करने आता है तो उतना, और इस ग्राउंड पे क्या है ना जो भी प्लेयर नीचे बैटिंग करने आएगा उतना ही उसके लिए दिक्कत होगा खेलने में। मतलब जो भी टॉप ऑर्डर में बैट करेगा, सोचो एक से चार तक जो बैट करेगा ना दोनों टीम का, उसको ही ज़्यादातर अच्छा मतलब फ़ायदा हो सकता है, बाकी जो नीचे बैटिंग करने में पिच और भी थोड़ा सा मतलब स्लो होता जाएगा, तो जब स्लो होगा तब बैटिंग करने में मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना जब टीम बनाएंगे तो फिर आपको इसको ध्यान रखना होगा क्योंकि जितना नीचे बैटिंग करने आएगा उतना पिच स्लो होता जाएगा, तो फिर मुझे लगता है ना पिच एवरेज है, न्यूट्रल पिच है, लेकिन ज़्यादा जो मैच हुआ ना जो पास्ट मैच के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट अभी क्या करना है, अभी जो पिच का जो रिपोर्ट मिलता है ना टॉस के बाद या टॉस से पहले भी अभी रिपोर्ट मिल जाता है तो उसको आपको फॉलो करना है। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें हम लोग आफ्टर टॉस हम लोग टीम भी पोस्ट करते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी भी देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लास्ट मोमेंट जो हम लोग टीम देते हैं, जो आप एक कॉम्बिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हो उसको थ्रू आप अपना हिसाब से टीम भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको फास्ट कॉमेंट पे भी दे देंगे ताकि आपको हमारा चैनल का लिंक मिल जाए। तो गाइज देखिए अभी बैटिंग सेक्शन में देखिए अभी जो सबसे अच्छा फॉर्म इनफॉर्म बैट्समैन है वो ऋतुराज गायकवाड़ है,
ये बहुत ही अच्छा फॉर्म मतलब फॉर्म से गुजर रहा है, तो आप इसको जरूर मास्क पिक करिएगा। लेकिन जो हेड टू हेड मैच था उसमें एक मैच खेला था जिसमें रन आउट हो गया था, तो मैं वो बैड लक था तो मैं भी, लेकिन इसका हेड जो मैचअप है आभास खान के साथ, इसने आभास खान ने इसको आउट किया है। तो अगर आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड, लेकिन स्मॉल लीग में तो आप इसको ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप जरूर ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन क्या जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो आपको आभास खान को मास्क पिक करना है उसी टीम में, ठीक है? या आप इवन आप कैप्टन वाइसन भी मार सकते हो आभास खान को, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता दूंगा जब बॉलिंग सेशन में आऊँगा क्यों लेना है आभास खान को, क्यों कैप्टन वाइसन करना है, ठीक है? बाकी दीपक हुड्डा अगर देखो पिच स्लो है तो बॉलिंग भी कर सकता है, बट क्योंकि आप देख सकते हो चेन्नई में भी, चेन्नई का जो टीम है उसमें भी दो दो तीन लेफ्टी बैट्समैन है, ज़्यादा है लेफ्टी बैट्समैन, तो मुझे लगता है दीपक हुड्डा आज के मैच के लिए एकदम बहुत अच्छा पीक होगा। आप इसको छोड़िए मत, क्योंकि बहुत काम आ सकते हैं आज के मैच के लिए आपके लिए, ठीक है? और इवन आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी मार सकते हो दीपक हुड्डा को आज के मैच में, स्मॉल लीग में नहीं ग्रैंड लीग में बात कर रहा हूँ, ठीक है? और अंबाती रायडू को अगर आपको टॉप ऑर्डर में एक दो प्लेयर फ्लॉप कर रहे हो तभी आपको अंबाती रायडू को पिक करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो इसको छोड़ सकते हो आराम से। बाकी शिवम दुबे से मुझे उतना कुछ खास उम्मीद नहीं आज के मैच में, अगर आपको लेना चाहते हो तो आप जरूर ले सकते हो। बाकी आयुष बादोनी को आप अगर टॉप ऑर्डर में लेके लखनऊ का ड्रॉप कर रहे हो एक दो प्लेयर तभी ट्राई करना है, या फिंच हीटर की तरफ से मतलब तरीके से ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर लखनऊ का आपने दो टॉप थ्री ले लिया, उसके बाद अगर आपको एक बैटिंग लेना है लखनऊ का तो आप बादोनी को ही ले सकते हो, जो आपको लास्ट में काम आ सकते हैं, जो हार्ड हिटिंग बैटिंग करेगा, ठीक है? जो आपको लास्ट दस गेंदों में 30 रन का करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ऐसा प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा खासा रैंक दिलाने के काबिल रखते हैं, ठीक है? बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में आज के मैच में एकदम मस्त पिक जादेजा रहेगा, मोइन अली रहेगा, ठीक है? एकदम मस्त पिक, एकदम आपको लेना ही है मोइन अली जादेजा को, क्योंकि पीस जो है ना स्पिनर को सपोर्ट करेगा, प्लस इन लोगों का रोल थोड़ा सा आज के मैच में ज़्यादा ही रहेगा मुझे लगता है। तो आपको ग्रैंड लीग में तो आप कैप्टन भी मार सकते हो, मोइन अली को तो आपको कैप्टन मारना है, या इवन स्मॉल लीग में भी आप मोइन अली को कैप्टन मार सकते हो, और जादेजा को आप ग्रैंड लीग में तो आपको कैप्टन एक दो टीम में मारना है मुझे लगता है आज के मैच में बहुत अच्छा कर सकता है। और बाकी मायर्स को आपको जरूर ग्रैंड लीग में ड्रॉप करना, इवन स्मॉल लीग में भी इसको ड्रॉप करना, क्योंकि ये टोटली हिट और मिस टाइप प्लेयर है। इसको शायद ये जब बैट करेगा तब मोइन अली इसको बॉलिंग करने आएगा, और इसके साथ मैचअप भी है, तो इसको जरूर मुझे लगता है मतलब मुझे अपना पर्सनली बिलीव है कि मोइन अली शायद इसको आउट करेगा। और कल इससे पहले मैच में जो इसने रन किया ना एकदम तुक्का मतलब फालतू में रन कर दिया, क्योंकि इसका इजी कैच ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऐसा प्लेयर क्या है ना एक मैच में रन करेगा दो तीन मैच में, आपको पता है कि इनकॉन्सिस्टेंसी प्लेयर है ये, ठीक है? और लेकिन क्या है ना एक दो बार बॉलिंग भी कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ड्रॉप करना, बट मुझे तो लगता है जीएल में इसको मस्ट, आप अगर आप 10 टीम मारा है तो इनमें से आपको 5-6 टीम में इसको ड्रॉप करके चलना है। बाकी स्मॉल लीग में आपका चॉइस, आप ड्रॉप करना चाहते हो नहीं चाहते हो, बट मेरा तो पर्सनली फील है, हम लोग तो स्मॉल लीग बहुत कम खेलते हैं, बट पर्सनली फील है कि आप स्मॉल लीग में इसको जरूर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है? मायर्स को। बाकी बेन स्टोक का रोल उतना कुछ खास, ओनली बैटिंग करेगा, तो बैटिंग से आपको जितना पॉइंट दे सकते हो वो दे सकते हैं। अगर आप सीएसके के टॉप ऑर्डर में लेना चाहते हो तो बेन स्टोक को आप मतलब सीएसके को जिता रहे हो तो टॉप ऑर्डर में जो आपको प्लेयर चाहिए उनमें से आप बेन स्टोक को सोचो, फिनिश मारेगा मतलब सेकेंड बैट कर रहे हैं चेन्नई, तो कौन सोचो चेन्नई सेकेंड बैट कर रहे हैं तो आपको टॉप फोर बैट्समैन चाहिए चेन्नई का, ठीक है? तो उनमें से आप बेन स्टोक को रख सकते हो ताकि मैच को फिनिश करें, तो जो फिनिश करेगा ना वो कम से कम 30-40 पॉइंट देके जाता है, तो जो फिनिश करते 30-40 पॉइंट देके जाता है ना वही ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक कर मतलब वही प्लेयर आपको ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक कराता है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखना और आपको काम आ सकता है। लेकिन बॉलिंग में उतना कुछ मुझे खास मतलब बॉल शायद मे भी इस मैच में भी नहीं करेगा क्योंकि इसका नी इंजरी है, तो बट प्रैक्टिस मैच में तो प्रैक्टिस जब कर रहा था ना तब बॉल कर रहा था, वार्म अप जब कर रहा था तब बॉल कर रहा था, बट मुझे उतना खास उम्मीद नहीं है कि बॉल करेगा। एज ए प्लेयर आप रख सकते हो ग्रैंड लीग में, बट स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा। मार्कस स्टोइनिस इसका भी कोई रोल नहीं रहा था पिछले मैच में, बट आप ग्रैंड लीग में इसको जरूर ट्राई करना, क्योंकि प्लेयर ऐसा प्लेयर है आपको एक मैच में पॉइंट देगा फिर 5 मैच में एकदम 0-0 रहेगा, ठीक है? तो आप जरूर अगर आप ज़्यादा टीम बना रहे हो तो ग्रैंड लीग में इसको जरूर एक दो टीम में कैप्टन बना के रख छोड़ देना, ठीक है? बाकी कुणाल पांड्या का भी कोई रोल्स नहीं है, तो आज का पिच के हिसाब से मे भी हो सकता है बॉल भी दिया जा सकता है एक दो ओवर, तो आप अगर लेना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, बाकी स्मॉल लीग में तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा। मिचेल सैटनर को अगर आप आज खेलता है तो फिर आप इसको
मे बी नहीं खेलेगा, बट मुझे अगर अगर नहीं अगर खेलता है ना तो आप इसको जरूर ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में रिस्की होगा बट ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, क्योंकि एक दो प्लेयर के साथ बहुत अच्छा मैचअप है इसका, तो मे बी अगर खेलता है तो एक दो विकेट लेके जा सकता है। ठीक है, बाकी ऑलराउंडर में एक और अच्छा पिक है जो आज के मैच में आप बहुत अच्छा खासा रैंक आपको अगर खेलता है लाइनअप में आता है, ड्वेन प्रिटोरियस, तो आप इसको जरूर फास्ट बॉल अगर करता है ना तो मस्ट आप एक दो टीम में कैप्टन मार सकते हो, इवन आप स्मॉल लीग में भी इसको कैप्टन मारते हो क्योंकि मार सकते हो, क्योंकि आज का जो पिच है ना, जो पीच है ना उसमें काटर बॉलर को सपोर्ट करता है, तो ड्वेन प्रिटोरियस सबसे अच्छा मतलब काटर बॉलिंग डालता है अभी आज का जो मैच में, जो सब जो प्लेयर है ना सबसे अच्छा जो बॉलर है उनमें से सबसे अच्छा काटर ड्वेन प्रिटोरियस ही डालता है, तो आप इसको जरूर ट्राई करना अगर लाइनअप में आता है। बाकी आप ग्रैंड लीग में तो अगर खेलता है तो आपको दो तीन टीम में इसको कैप्टन मारना है, मैंने इवन आप स्मॉल लीग में भी कैप्टन मार सकते हो अगर लाइनअप में आता है। ठीक है, फास्ट बॉल करेगा तभी मारना, सेकेंड करेगा तो एज ए प्लेयर आप रख सकते हो अगर लाइनअप में आता है। ठीक है, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई प्लेयर अगर खेलता है तो आप जरूर ट्राई करना, बाकी उनमें से डेनियल का अच्छा रिकॉर्ड है, आप अगर लाइनअप में आते हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर तो अब हम लोग डिस्कशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी बॉलिंग सेक्शन में देखिए मार्क वुड जो अभी बहुत अच्छा खासा मतलब पॉइंट देके आया है, तो मुझे इस मैच में क्या है थोड़ा सा जो स्लो पिच होगा तो मुझे नहीं लगता कि उतना इम्पैक्टफुल हो सकते, क्योंकि ये आप ग्रैंड लीग में तो इसको जरूर आपको ड्रॉप करना होगा, बाकी स्मॉल लीग में ड्रॉप करेंगे तो फिर रिस्क हो जाएगा, बट इसको ग्रैंड लीग में जरूर ड्रॉप करना। ठीक है, बाकी आवास खान को आपको एकदम मस्ट पिक रखना है अपने टीम में, ऐसे सोच चाहे एसएल जीएल आप दोनों टीम में आपको इसको मतलब दोनों जब आप एसएल बनाएंगे जीएल बनाएंगे, चाहे एसएल बनाओ या जीएल बनाओ आपको दोनों में ही आपको मस्ट पिक करना है। इवन आप अगर फास्ट बॉलिंग सेकेंड बॉलिंग में ही ज़्यादा, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सेकेंड बॉलिंग में ही ज़्यादा विकेट लेता है, लेकिन फास्ट बॉलिंग पर भी लेता है बट सेकेंड बॉलिंग पर इसको विकेट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड अगर सोचो लखनऊ सेकेंड बॉल करें ना तो आप इसको कैप्टन भी मार सकते हो। ओवरऑल आज के मैच में आप कैप्टन इसको मार ही सकते हो एक दो टीम में इस ग्रैंड लीग में। बाकी दीपक चहर का मुझे उतना फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको जरूर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप लखनऊ का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हो ना तभी इसको लेना, अगर नहीं ड्रॉप कर रहे हो तो आप आराम से इसको छोड़ सकते हो। रवि बिश्नोई का आज कप मैच में एकदम मस्त पिक रहेगा, क्योंकि जो पिच है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, और ऐसे ही ये विकेट टेकर बॉलर है तो इसको छोड़ना बहुत ही मतलब हो सकता है कि आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी ओवर में एक दो विकेट लेके जा सकता है, तो आपको मस्ट पिक रखना है रवि बिश्नोई को। और जो अंडर 19 स्टार प्लेयर है हंगरकर, इसको आप ग्रैंड लीग में तो ट्राई करना ही करना है, स्मॉल लीग में भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि चेन्नई के जिसमें आप चेन्नई का फेवरेट टीम माना है ना उसमें तो आपको रखना होगा। उसके बाद आप अगर जैसे दीपक चहर को आप ड्रॉप कर रहे हो तो फिर किसी एक बॉलर को तो आपको लेना होगा मतलब चेन्नई का, तो उसमें से उनमें अगर चेन्नई का तो आपको एक ना एक बॉलर लेना होगा ना, तो हंगरकर को आपको जरूर ट्राई करना है। दीपक चहर को ड्रॉप कर रहे हो तो हंगरकर को जरूर आपको ट्राई करना है, बाकी चेन्नई का जिसमें फेवर करेंगे उसमें आपको मास्ट ट्राई करना होगा। और एज ए विकेट टेकर बॉलर है ये, तो इसमें आपको ग्रैंड लीग में इसको कैप्टन भी मार सकते हो। इसके पास पेस है बट मुझे क्या लगता है अगर जो पिच है ना उसका पिच थोड़ा सा स्लो है तो इस प्लेयर को ज़्यादा मदद करेगा, और जो पेस बॉल करेगा ना जो ज़्यादा फास्ट बॉल करता है उस पर थोड़ा सा शायद मे भी उतना हेल्प ना हो, बट ओवरऑल एज ए मतलब जिसका इसका जो फॉर्म है ना उसके हिसाब से अगर आप चलने जाओगे तो इसको मस्ट पिक करना होगा आपको। बाकी उनाडकट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आप अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। तुषार देशपांडे ये सब्स्टिट्यूट की तरफ से आया था तो आप इसको, मुझे नहीं लगता ये आज के मैच में खेलेगा, अगर आता है तो आप ग्रैंड लीग में जरूर इसको ट्राई करना। ठीक है, बाकी मंगला नहीं खेलेगा, बाकी कोई प्लेयर अगर लाइनअप में आता है तब उसके हिसाब से आप सिचुएशन के हिसाब से जरूर ट्राई करेगा। तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोल देता हूँ, अभी तो हमारा डिस्कशन खत्म हो चुका है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूँ, जब भी आप टीम बनाएंगे ना तो सिचुएशन के हिसाब से टीम बनाएगा, और एकदम स्ट्रेट आपका जो फोकस होगा कौन जीतेगा वो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, पिच क्या रिपोर्ट क्या है वो आपका माइंड क्लियर, चाहे वो हो या ना हो। ठीक है, कौन जीतेगा वो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, पिच क्या है उसके हिसाब से आपको टीम बनाना होगा, और आपका माइंड पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए चाहे वो हो या ना हो। ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको यूज करना होगा आपको अच्छे से, तभी आप अच्छा खासा टीम बना पाओगे। आपका वो आपने जो इम्प्लीमेंट किया वो हुआ तो ठीक है, आप अच्छा खासा रैंक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, ठीक है कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट फिर से ट्राई करना है। ठीक है, आप कभी भी ऐसा मतलब कन्फ्यूज़ होकर टीम मत बनाइएगा, अगर आप कन्फ्यूज़ होकर टीम बनाएंगे ना तो आपको दिक्कत होगा, कभी भी कन्फ्यूज़ होकर टीम मत बनाइएगा। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमें वीडियो अभी ख़त्म मतलब हमारा वीडियो अभी ख़त्म होता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो गाइज
अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बट एक और बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता था, जो कल के मैच में जो आज के मैच में जो पंत प्लेयर होगा ना, जो आपको ज्ञान लीग में बहुत अच्छा खासा पॉइंट भी दे सकता है, मे भी उसके लिए मैं जैसे बोल दिया आपका आभास खान, ड्यूएन प्रिटोरियस अगर लाइनअप में आता है, निकोलस पुरान को भी एज अ VC आप ट्राई कर सकते हो, और सैंटनर को आप मुझे मैंने जैसे बोला सैंटनर को आप ले सकते हो, जिसमें मैच अप बहुत अच्छा है सैंटनर का, तो आपको ज्ञान लीग में बहुत अच्छा खासा रैंक दे सकते हैं। और इवन अंबती राइडू को भी आप ट्राई कर सकते हो, अगर सोचो आप टॉप ऑर्डर में गायकॉट को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो ऐसे टीम में आपको अंबती राइडू को मस्ट रखना होगा। और आपको मे भी आप एज ए VC भी रख सकते हो, कैप्टन थोड़ा सा रिस्की होगा तो आप VC भी रख सकते हो, उसके हिसाब से आप चल सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बात बोलना था मैं, चलो गाइज अभी ये वीडियो ख़त्म होता है, अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। और एक और बात गाइज, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जरूर ज्वाइन हो जाना, ताकि लास्ट मोमेंट पे जो अपडेट होगा वो हम लोग तक आप लोगों को मिले, ठीक है।